सिंह जंगल के सबसे खतरनाक शिकार करने वाले जानवरों में से एक है, लेकिन सिंह में राजसी गुण भी होते हैं, जिसके कारण सिंह एक खतरनाक जानवर होने के बावजूद भी हमारा पसंदीदा पशु भी बन जाता है। हमें अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर शेर मिल सकते हैं, लेकिन सबसे आक्रामक और भयानक शेर अफ्रीका में रहते हैं, इसलिए हम अक्सर इन शेरों के बारे में जनप्रिय कहानियां सुनते हैं। अक्सर यात्री हर साल इन अफ्रीकी शेरों को देखने आते हैं, और अब आप समझ गए होंगे कि अफ्रीकी शेर कितने लोकप्रिय और विपुल हैं। लेकिन उनकी विपुलता के बारे में इतना सुनने के बाद हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वे हिंसक जानवर हैं और वे किसी भी क्षण हम पर हमला कर सकते हैं। वे अपने नुकीले दांतों और नाखूनों की मदद से जंगल के किसी भी जानवर का शिकार कर सकते हैं। अगर उन्हें कभी भी भोजन की कमी या विपत्ति अनुभव होती है तो वे नरभक्षक भी बन जाते हैं। और आज इस वीडियो में हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जहां एक शेर अचानक हिंसक हो जाता है और एक इंसान पर हमला कर देता है। लेकिन ये जानने के लिए इंसान ने अपनी किस्मत और बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी जान कैसे बचाई, आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। ये घटना दक्षिण अफ्रीका के मपुमलंगा के गेम रिजर्व प्रांत में हुई थी। गेम रिजर्व का एकमात्र कार्यवाहक गैरी कैमाको था। बाकी दिनों की तरह वो भी दिन में सफारी के लिए निकला था, लेकिन उस दिन जब वो सफारी पर गए तो देखा एक शेर बेरहम तरीके से जख्मी हो गया था, और उसने महसूस किया कि अगर शेर को जल्द ही चिकित्सा सहायता नहीं मिली तो शेर की जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गैरी ने देखा शेर अपने समूह के नर शेरों के सामने बेहद कमजोर हो पड़ेगा, इसलिए इन्होंने एक अलग बाड़े की व्यवस्था की जहां इन्होंने मांस के टुकड़े एकत्र किए। परंतु उस समूह के नर सिंह मांस के टुकड़ों को देखकर इन्हें खा जाते हैं। गैरी ने वो जगह छोड़ दी और शेर के पूरी तरह से अकेले होने का इंतजार करने लगा। कुछ दिनों बाद वो अपने दोस्तों के साथ फिर से उस जगह की यात्रा करने चला गया। इस बार उसने देखा कि शेर बाड़े में है, लेकिन शेर के इलाज के लिए बाड़े में प्रवेश करने से पहले उसने महसूस किया कि शेर वहां अकेले नहीं था, वो नर शेर के साथ मौजूद था। लेकिन उन्होंने भी बाड़े में प्रवेश करने का फैसला किया, लेकिन इस दौरान भी उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वो अपनी बंदूक लेना भूल गए हैं। दूसरी ओर गैरी यह समझ गया था कि यदि शेर का जल्द से जल्द इलाज नहीं किया गया तो वो गैंग्रीन रोग से प्रभावित हो सकता है और मर सकता है। लेकिन अगर शेर बाड़े के अंदर ही रहता है तो इसका इलाज नहीं हो सकता। तो गैरी अपनी जीप के द्वारा उस शेर को भगाने की कोशिश करता है। गैरी ने सोचा इस तरह वो शेर को बाड़े से बाहर निकालने में सक्षम हो सकता है। उसकी योजना अंततः विफल हो जाती है। शेर बाहर आने की बजाय बाड़े के और अधिक अंदर चला गया। इस योजना के विफल होने के बाद गैरी ने यह सोचना जारी रखा कि शेर को बाड़े के बाहर कैसे लाया जाए। लेकिन कोई अन्य उपाय न सोच पाने के बाद उसने बाड़े के अंदर जाने का फैसला किया। ये सोच वे अपनी गाड़ी से उतर जाते हैं और शेर को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। उसने सोचा इस तरह वो शेर को डराएगा और सिंह बाड़े से बाहर निकल आएगा। लेकिन ये सोच इनके खुद के ऊपर कितनी भारी पड़ जाएगी ये उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसके बाद गैरी अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और शेर को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। उसने सोचा अगर शेर गैरी को देखकर उसके करीब आता है तो अपनी बंदूक से गोली मारकर उसे बाड़े से बाहर निकाल देगा। लेकिन कुछ देर बाद शेर उस पर हमला करने के लिए गैरी की तरफ भागा, और उस दौरान जब गैरी बंदूक निकालने की तैयारी कर रहा था तो उसे एहसास हुआ कि वो अपने साथ बंदूक लाना भूल गया है। जब वो कोई और उपाय सोच रहा था तो शेर ने उस पर हमला कर दिया। गैरी अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को शेर के आक्रमण से बचने के बावजूद शेर गैरी के पैर में जोर से काट देता है। आप सभी जानते होंगे शेर के काटने की ताकत कितनी जबरदस्त होती है। दरअसल एक शेर के काटने की शक्ति 650 PSI होती है, और इस दंश से एक शेर किसी भी मेरुदंड के टुकड़े टुकड़े कर सकता है।
शेर के काटने से गैरी के पैर कैसे त्रस्त हुए होंगे ये आप सबको शायद पता लग गया होगा। गैरी के दोस्त भी गैरी को बचाने में विफल थे। गैरी अपनी चोट को बचाने के लिए अपने हाथ से शेर को घूंसे मार रहा था, लेकिन किसी भी तरह गैरी खुद को मदद नहीं कर पा रहा था। शेर के काटने से जब गैरी का खून बहने लगा तो उसे किसी और खतरे का आभास हुआ। बाड़े के बाहर के अन्य शेर खून की गंध को सूंघकर गैरी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ते हुए आ सकते हैं। इस दौरान उनके पास मौत का स्वागत करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। गैरी का ये विचार सच निकला। बाड़े के बाहर शेरों ने इसे दर्द से रोते हुए सुना और उसके खून को सूंघते हुए वे धीरे धीरे उसकी ओर आ रहे थे। गैरी ने चिल्लाकर अपने दोस्तों से कहा कि शेरों को बाड़े के भीतर नहीं पहुंचने दे। गैरी के दोस्त गाड़ी से उतरे और शेरों को डराने लगे और सौभाग्य से वो सफल हो जाते हैं। लेकिन तब भी गैरी की टांगे शेर के दंश से त्रस्त थी। वो जानता था कि अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया होता तो शेर उसकी पूरी टांग काट के ले जा सकता था। अंत में जब वो अपनी मदद के लिए कुछ नहीं कर सका तो उसने शेर के सबसे कमजोर हिस्से में से एक पर हमला किया और वो है उसकी आंखें। वो शेर की आंखों पर घूसा मारता रहा, लेकिन ये शेर को और पागल कर देता है और फिर शेर ने अपने नाखूनों से गैरी के पूरे शरीर पर हमला करना शुरू कर दिया। नाखून के निशान उसे गंभीर चोट की ओर ले जा रहे थे। उसने महसूस किया अगर शेर इस तरह से उस पर हमला करता रहा तो वह जल्द ही मर जाएगा, क्योंकि शेर के नाखूनों की जहर एक बड़ा संक्रमण पैदा कर सकता है। लेकिन वो शेर की आंखों पर वार करता रहा और जान बचाने के लाखों प्रयास के बाद उसका हमला काम कर गया। शेर को चोट लगी और जैसे उसने गैरी के पैरों से अपना मुंह हटाया, गैरी ने इस पल का फायदा उठाया और गाड़ी की तरफ दौड़ा और अपनी जान बचा ली। आधे घंटे के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके पैर में 50 से ज्यादा सिलाई आई। कुछ हफ्तों में ठीक होने के बाद वो फिर से गेम रिजर्व जाते हैं और उसने देखा शेर प्राकृतिक तरीके से ठीक हो गया है और शेर ने एक बच्चे को भी जन्म दिया है। गैरी के अनुसार उस दिन वो अपने भाग्य के कारण बच गया, लेकिन एक बात उसने अनुभव कर ली थी, एक अफ्रीकी शेर कितना खतरनाक और हिंसक हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है, गैरी की किस्मत से उसे बचा लिया गया या फिर उनकी बुद्धिमता या अनुभव ने उन्हें बचा लिया? कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।